हेलो एवरीबॉडी, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वन वर्ड के ऊपर। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पहला हम वर्ड कवर कर रहे हैं मोनूमेंट। मोनूमेंट क्या होता है? अगर कोई इमारत बिल्डिंग बनाई जाए किसी की याद में तो उस इमारत और बिल्डिंग को बोला जाता है मोनूमेंट। जैसे एग्जांपल के ताजमहल, ताजमहल क्या है? किसी की याद में बनाया गया था, मुमताज़ की याद में बनाया गया था। तो जो कोई इमारत है, बिल्डिंग है, वो किसी की याद में बनाई जाए उस बिल्डिंग को बोला जाता है मोनूमेंट। A structure erected in the remembrance of a person. अगर कोई बिल्डिंग बनाई गई किसी की याद में उसको क्या बोलते हैं? मोनूमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या होता है? देखो, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। इंग्लिश में स्क्रिप्ट का क्या मतलब है? लिखना। और मैन का मतलब मैनुअल। यहां पे मैन का क्या मतलब है? मैनुअल। जो चीज मैनुअली लिखी गई है, यानी कि इंसान ने अपने हाथ से लिखी है, वो मैनुअल, जो मैनुअली लिखा गया है वो मैन्यूस्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? लिखना। और जो चीज इंसान ने खुद लिखी है अपने हाथ से, जो जो भी किताबें हैं, वो क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। नेक्स्ट वाला वर्ड है नारकोटिक। नारकोटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो इंसान को नशे में ले आती है, नींद में ले आती है, उनको बोलते हैं नारकोटिक्स है। इसको देखते हैं, मेडिसिन That induces sleep, ऐसी दवाई जो कि नींद ले आती है उसको बोलते हैं नारकोटिक है। नारकोटिक ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो भी इस्तेमाल में नहीं है, जो भी चीज़ नल एंड वॉइड हो गई है, जो इस्तेमाल में नहीं है, जो भी काम की नहीं है, वो क्या है? ऑब्सोलीट हो गई है। तो नो लॉन्गर इन यूज, कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल में नहीं है उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? एक ऐसी प्लेन फिगर, यानी कि टू डायमेंशनल फिगर, जो जिसके अंदर बहुत सारे एंगल्स हैं, कई सारी साइज हैं। जैसे हम देख सकते हैं, ये पॉलीगन का एग्जांपल है। इसमें क्या है? हम देख सकते हैं कितने साइज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस फिगर के अंदर 6 साइज हैं, तो ये क्या है? पॉलीगन का एग्जांपल है। मल्टी साइज को बोलते हैं पॉलीगन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैराबल। पैराबल का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी कहानी जो कि बनाई गई है कि सुनने वाले को कोई रिलीजियस धार्मिक मैसेज दिया जा सके, स्पिरिचुअल मैसेज दिया जा सके, उसको हम बोलते हैं वो पैराबल है। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? पैराग्राफ से। पैरा को हम जोड़ देंगे पैराग्राफ से, पैराग्राफ से। अब मान लो कोई पैराग्राफ है, कोई ऐसा पैराग्राफ है जो लिखा गया ताकि पढ़ने वाले को कोई धार्मिक ज्ञान हो जाए, उसको स्पिरिचुअली इंस्पायर हो जाए, तो वो पैराग्राफ क्या कहा जाएगा? पैराबल है। नेक्स्ट वाला वर्ड है पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब होता है एक ऐसी औषधि, एक ऐसी दवाई जो सब बीमारियों को ठीक कर सकती है, उस औषधि को, उस दवाई को बोलते हैं पेनेशिया। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? पान से। इसके बिगनिंग में क्या है? पान लिखा हुआ है। तो सोचो पान का पत्ता क्या करता है? सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो ये क्या है? पान का पत्ता क्या है? पेनेशिया है। जो पान का पत्ता है ये क्या है? सब बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो ये क्या है? पेनेशिया है। रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीजेज, एक ऐसी रेमेडी जो सब बीमारियों के लिए काम करे, उसको बोलते हैं पेनेशिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेट्रीमोनी। पेटर का मतलब होता है पिता, मोनी का मतलब होता है पैसा। पेटर का क्या मतलब है? फादर। और मोनी का मतलब क्या होता है? मनी, पैसा। जो प्रॉपर्टी, जो जायदाद, जो पैसा हमें हमारे फादर से या पूर्वजों से मिलता है उसको बोलते हैं पेट्रीमोनी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोस्टमार्टम। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। इंग्लिश में पोस्ट वर्ड का मतलब होता है बाद में, और मॉट का मतलब होता है मृत्यु। मॉट का क्या मतलब है? डेथ, मृत्यु। तो पोस्टमार्टम का मतलब होता है मृत्यु के बाद जब शरीर की, बॉडी की चेकिंग की जाती है, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम चल रहा है। तो क्या लिखा जाएगा? एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी इज कॉल्ड पोस्टमार्टम। अब इन सब वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। पहला हमारा वर्ड है मोनूमेंट। मोनूमेंट क्या है? कोई ऐसी बिल्डिंग जो किसी की याद में बनाई गई है। मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा गया। नार्कोटिक, जिन चीज़ों से नींद आती है, नशा होता है। ऑब्सोलीट, जो भी इस्तेमाल में नहीं, जो काम की नहीं है। पॉलीगॉन, जिसके बहुत सारे साइड्स हैं, एंगल्स हैं। पैराबल, एक ऐसी कहानी जिसमें रिलीजियस स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं। पेनेशिया, एक ऐसी दवाई जो रामबाण है, सब बीमारी को ठीक कर सकती है। पेट्रीमोनी, फादर से मिलेगी जायदाद, प्रॉपर्टी। पोस्टमार्टम, मृत्यु के बाद बॉडी का एग्जामिनेशन, इज कॉल्ड पोस्टमार्टम।
We'll cover more words in the next video. Have a nice day. Thank you.